नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए साल के मौके पर गोरखपुर वासियों को कई करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया है। इनमें 50.48 करोड़ की 15 परियोजनाओं का लोकार्पण और 17.31 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। मुख्यमंत्री ने 1000 विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरित किए। इसमें करीब 10 बच्चों को मुख्यमंत्री के हाथों से टैबलेट स्मार्टफोन पाने का मौका मिला। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वायरस को लेकर लोगों से अपील भी की कि लोग सतर्क रहें। ये जरूर है कि तीसरी लहर इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन लापरवाही से बचें। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ पर हमारे युवाओं को एक बार फिर से टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई हो रही है। हम लोगों ने तय किया है कि प्रदेश के हर स्नातक प्रस्नातक युवा को या फिर इंटरमीडिएट पास करने के बाद जो युवा पॉलिटेक्निक आईटीआई या स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कर रहा है या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उस प्रत्येक युवा को भी हम लोग टैबलेट अथवा स्मार्टफोन उपलब्ध करवाएंगे। उत्तराखंड के काशीपुर में पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा के दौरान प्रतापपुर निवासी एक युवक भगवा गमछा डाले चाकू लेकर मंच पर पहुंच गया। उसने जय श्री राम के नारे भी लगाए। युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उसे पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। हालांकि मंच पर चाकू निकालने के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत मौजूद नहीं थे। आपको बता दें कि युवक जनसभा शुरू होने से पहले ही मंच के आसपास था। प्रतापपुर निवासी एक युवक पिछले कुछ दिनों से अपना प्रार्थना पत्र लेकर पुलिस के पास जा रहा था। उसका कहना है कि 8 लोगों ने उसकी मजदूरी की रकम नहीं दी है। पहले भी वो टावर पर चढ़कर खुद को आग लगाने की कोशिश कर चुका था बृहस्पतिवार को, लेकिन वो पूर्व सीएम हरीश रावत की जनसभा में पहुंच गया। इस दौरान वो मंच पर चढ़कर नारे लगाने लगा और पैंट से चाकू भी उसने निकाल लिया। हालांकि तब मंच पर पूर्व सीएम मौजूद नहीं थे। फरुखाबाद में शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं का गुस्सा फूटा, योगी सरकार पर फूट पड़ा, जिसके चलते शिक्षा भर्ती निकालने को लेकर बेरोजगार युवाओं ने जिलाधिकारी कार्यालय को घेर लिया। इसी के साथ बेरोजगार युवाओं ने कहा कि सरकार के जुमले नहीं चाहिए और भर्ती चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती को लेकर बेरोजगार युवाओं ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंप दिया है। सूबे के मुखिया एक तरफ भ्रष्टाचार मुक्त यूपी की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे ठेकेदार हैं इस सपने पर पलीता लगा रहे हैं। ताजा मामला हमीरपुर के सुमेरपुर विकासखंड क्षेत्र का है, जहां घटिया गुणवत्ता से बन रहा नाला एक दिन की बारिश में गिर गया। वहीं नाले की दीवार गिरने का वीडियो न्यूज वर्ल्ड इंडिया के कैमरे में कैद हो गया। ऐसे में किस तरह से निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी पोल इस वीडियो में साफ खुलती हुई दिखाई दे रही है। इन दिनों उत्तर प्रदेश में भगवान परशुराम की चर्चा जोरों शोरों से चल रही है। समाजवादी पार्टी के बाद लखनऊ में अब बीजेपी की ओर से परशुराम जी की मूर्ति स्थापित की गई। ये मूर्ति कृष्णा नगर के सह सोवीर मंदिर में स्थापित की गई है, जिसे प्रयागराज से बीजेपी सांसद पूर्व कैबिनेट मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी ने लगवाया है। मयंक जोशी ने ये प्रतिमा राजस्थान से मंगाई थी, जो 5 फीट की है और आज से मंदिर परिसर में विधि विधान से पूजन के बाद स्थापित कर दिया गया है। मूर्ति का अनावरण करने के लिए बीजेपी के ब्राह्मण नेता उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक और सांसद रीता बहुगुणा जोशी मौजूद रही।
बीजेपी जिला महामंत्री राजकुमार वर्मा के खिलाफ पार्टी फंड के नाम पर 15 लाख हड़पने को लेकर गोसाईगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि जिला महामंत्री राजकुमार वर्मा पर मोहनलालगंज सीट से टिकट दिलाने के नाम पर हरिप्रकाश रावत से 15 लाख हड़पने का आरोप लगा था, जिसको लेकर पीड़ित ने थाने में मामले की शिकायत की थी। लेकिन जब गोसाईगंज पुलिस ने सत्ता के दबाव में मुकदमा दर्ज नहीं किया तो पीड़ित ने कोर्ट का सहारा लिया, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर आरोपी राजकुमार वर्मा के खिलाफ गोसाईगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। लखनऊ में मोहनलालगंज तहसील में राजस्व राज्य मंत्री छत्रपाल सिंह गंगवार ने औचक निरीक्षण किया। वहीं राजस्व राज्य मंत्री के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। निरीक्षण के दौरान कुछ कर्मचारी अनुपस्थित भी थे, जिसको लेकर कड़ी फटकार भी लगाई गई। वहीं छत्रपाल सिंह गंगवार ने दफ्तरों में लगे जाले को देखकर सफाई के निर्देश भी दिए। पीलीभीत में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव बेहद नज़दीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे पार्टी के दावेदार नए नए पैंतरे अपना रहे हैं। आपको बता दें कि शहर विधानसभा के गठबंधन के प्रबल दावेदार शोएब खान ने ललौरी खेड़ा ब्लॉक के दर्जनों गांवों में दौरा किया और क्रिकेट के प्रेमियों को क्रिकेट किट बांटी। साथ ही शोएब खान का साफ तौर से कहना है कि चुनाव जीतने के बाद खिलाड़ियों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराया जाएगा, जहाँ गाँव के गरीब बच्चे खेल में अपनी प्रतिभा दिखा सकें और आगे बढ़ सकेंगे। मुझे हो गई लगभग 10-15 साल है गेम खेलते हुए, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा, इन्हें किट दिया है, ठीक है। कहाँ कहाँ खेला है आपने गेम? मैंने अपनी यही ग्राउंड में खेला था, SSP। यहाँ पीलीभीत है? हाँ, पीलीभीत भी खेला। ग्राउंड में खेला है? हाँ हाँ, खेलते हुए। गाँव के और कितने लड़के हैं जो क्रिकेट में अपनी दिलचस्पी दिखाते हैं? लड़के तो बहुत हैं, वैसे 11 लोग होते हैं टीम में, सीनियर टीम में उसके लगभग 12-14 खिलाड़ी हैं, जिसमें 11 लोग जाते हैं। मेरा उद्देश्य पहले दिन से जनता की सेवा करना है। मैं ये कोई मेरे लिए पराए नहीं, सब अपने लोग हैं। आप इनकी मोहब्बत देख सकते हैं, क्या उत्साह है इन लोगों के अंदर। ये तय कर रहा है कि 2022 का चुनाव ऐतिहासिक होगा और इंशाल्लाह हम ये सीट भी बड़ी लंबी लीड से चुनाव जीतेंगे। पीलीभीत में बीती देर शाम जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शहर में दौरा कर शहर के मुख्य स्थानों पर ठंड से बचाव के लिए लगाए गए अलावों का निरीक्षण किया। इसके अलावा ठंड में सड़क किनारे सो रहे लोगों को गर्म कपड़े और कंबल का भी वितरण किया। आपको बता दें कि इन दिनों कपकपाती ठंड का मौसम है, इसी को लेकर जिलाधिकारी पुलकित खरे ने शहर का दौरा कर लोगों को कंबल बांटे। भीषण ठंड का समय समय चल रहा है और ऐसे में समस्त अधिकारियों के साथ आज शहर का पूरा भ्रमण करा गया, खासकर रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और अन्य ऐसी जगहों पे ये देखा गया कि कहीं कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति तो नहीं है जो ठंड में है, मुश्किल में हो। कुछ लोग हमें ऐसे मिले, उनको रैन बसेरे तक ले जाने का भी प्रयास करा गया और जो लोग नहीं जाने पर भी अड़े हुए थे उनको गर्म कपड़े और कंबल भी उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही साथ जो शहर में अलाव जल रहे हैं उनकी भी चेकिंग करी गई। जो लोग अनावश्यक घूम रहे थे, क्योंकि नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो जाता है, उनको भी समझाया गया है। प्रयास यही करा जा रहा है कि किसी भी व्यक्ति को ठंड के समय कोई परेशानी ना हो, उनको रैन बसेरे तक पहुँचाया जाए, गर्म कपड़े उपलब्ध कराए जाएँ। हाल में ही हम लोगों ने एक अभियान भी चलाया था, जिसमें शहरवासियों ने बढ़ चढ़ के गर्म कपड़े डोनेट करे थे, तो जरूरतमंदों तक उन कपड़ों को पहुँचाने का पूरा प्रयास करा जा रहा है। यूपी की सियासत में पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनावों में अगर बीजेपी जीतती है तो AK शर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि AK शर्मा बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, जिन्होंने IAS की नौकरी से इस्तीफा देकर राजनीतिक पारी शुरू की है। इससे पहले भी यूपी बीजेपी में योगी बनाम AK शर्मा की अटकलें तेज होती रही हैं।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। वेदांता एक ऐसा शैक्षणिक संस्थान जहां होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर डिफेंस सर्विस एग्जाम, यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में